लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के 28वीं सेना प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने जनरल बिपिन रावत की जगह ली है। जनरल रावत ने लेफ्टिनेंट नरवणे को बैटन सौंप दी है। इससे पहले सुबह जनरल रावत की विदाई के अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। सेना अध्यक्ष पद से बेशक जनरल रावत आज सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन वह कल देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस का पद संभालेंगे। विदाई के अवसर पर CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि आज मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूं। मैं भारतीय सेना के उन सैनिकों रैंक और फाइल के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अडिग रहे। मैं जनरल मनोज नरवणे को अपनी उनकी सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो आज 28वें सेना प्रमुख के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उम्मीद है कि नए सेना प्रमुख के नेतृत्व में सेना नई ऊंचाइयों को छुएगी। बिपिन रावत ने CDS पद पर अपनी नियुक्ति पर कहा कि यह सिर्फ एक ओहदा भर है। उन्होंने कहा कि कोई भी पद सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास से सफल नहीं हो सकता। जनरल रावत अगर आर्मी चीफ बनता है तो उसे सभी विभागों से पूरा सहयोग मिला, सबको मिलकर काम करना होगा, तभी सफल होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभालने के लिए जनरल बिपिन रावत को मंगलवार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नायडू ने ट्वीट किया कि देश के पहले CDS बनाए जाने पर जनरल रावत को बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि जनरल रावत के कुशल नेतृत्व में सेनाओं के बीच समन्वय और अधिक बेहतर होगा। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को जून 1980 में सिख लाइट इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं। अपनी 37 वर्षों की सेवा में जनरल नरवणे ने देश के पूर्वोत्तर हिस्से जम्मू और कश्मीर सहित श्रीलंका में भारतीय शांति सुरक्षा बल के सदस्य के रूप में काम किया है। नरवणे ने जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय राइफल्स बाल्टियन और पूर्वी मोर्चे पर एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान भी संभाली है। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे को विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। इस साल सितंबर में सेना का उप प्रमुख का पद संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। सेना की यह कमान चीन से लगती 4000 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करती है। अपने 37 साल की सेवा में उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद व उग्रवाद विरोधी अभियानों शांतिकाल में विभिन्न कामनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल बाल्टियन और पूर्वी मोर्चे पर इन्फेंट्री ब्रिगेड का नेतृत्व भी किया। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे श्रीलंका भेजी गई भारतीय शांति का बल हिस्सा थे। वह म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास में 3 साल तक डिफेंस अटैची भी थे। टुडे एज आई डेमिट द ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी आई विश टू कन्वे माय ग्रेटिट्यूड एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू द सोल्जर्स the rank and file of our Indian Army who have stood steadfast under challenging circumstances. I also wish to convey my best wishes to General Manoj Naravane who will be assuming the office as the 28th Chief of our Army Staff. JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।